आप देख रहे हैं चेन्नई लाइव, हर खबर के साथ। आज की बड़ी खबर, थाने के मुंब्रा इलाके के सैनिक नगर में चौहान नामक युवक की करंट लगने से गई जान, परिवार का रो रो कर बुरा हाल, बिजली कंपनी के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों की पुलिस से हुई झड़प। इसी मामले को लेकर कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल पर NCP के नेता शमीम खान पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों के साथ तोरण पावर के खिलाफ आंदोलन पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। जब तक बिजली कंपनी मुआवजा देने को राजी नहीं होती, तब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। आगे देखिए पूरी खबर विस्तार से। एक हमारा भाई रवि चौहान अपने बच्चों से, अपने बीवी से, अपने मामा से सबसे दूर हो गया, दूर हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, भगवान को प्यारा हो गया। सुबह आप 8 बजे से आप सुन रहे हैं कि आपका ये टॉरेंट का तार टूट गया था, इसके लिए हादसा हो गया। उसके बाद आकर के इस परिवार को ये मामा चीख चीख के फ़ोन पे कहता है कि भाई हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्यों उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है? उसको इंसाफ दो, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी और मौत का देनदार तो अल्लाह ताला है। उसको उसको मौसी कह रही है, मौसी कह रही है कि 1000 बार टूटा है, कहीं ना कहीं वो तीन बार वायर टूट गया। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कब इनके आँख खुलेंगे। सुबह के टाइम 6 बजे 7 बजे हादसा होता है, 6 बजे वहाँ के मुकामी लोग कंप्लेन करते हैं, तो आकर के वहाँ पे तार को ज्वाइंट क्यों नहीं किया गया? अगर आज उस पर 3 बार फोन किया, अगर वो तार को जोड़ा गया होता तो शायद रवि चौहान का इंतकाल नहीं होता, एक्सपायर नहीं हुए होते। आप क्या इंतजार कर रहे हो कि उसकी बॉडी को डालो एम्बुलेंस में और गुलबर्गा लेके चले जाओ? हाँ लेके जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों के इंसाफ की बात लेके जाएंगे। बीबी को इंसाफ नहीं मिला, यहाँ बैठे हुए तमाम आदिवासियों को इंसाफ नहीं मिला, तो हम यहाँ से टोरेंट ऑफिस में घुसेंगे और वहाँ जाके उनको बाहर निकालेंगे और मामा को बिठाएंगे। क्या मांग कैसे में है? मांग ये है कि एक एक बच्चों को 10-10 लाख यानी 30 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसी हम आपके माध्यम से मांग कर। मेरा नाम भिकू राठौर है, मेरा भांजा है, उसका नाम रवि चौहान, रवि वालू चौहान है। कैसे हादसा कैसे हुआ? अंदर वो वायर टूट के गिरा था साहब, गिरने के बाद वो काम पे जा रहा था, 8:15 बजे वो लगाया साहब, करंट लग गया। हाँ वायर टूट के गिरा है, 40 लाख तक मांगेगा। अच्छा मुआवजा? हाँ, वो बचेगा कैसा? इसीलिए प्रोटेस्ट।